हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथिक फिजिशियन। आज पैंडिक फ्लू होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट बताएंगे जो कंप्लीट क्योर करती है विदाउट एनेस्थेसिया। पर पैंडिक फ्लू किसे कहते हैं और ये किस तरीके से होते हैं? पैंडिक फ्लू अनदर नेम स्पेनिश फ्लू लाइक इन्फ्लुएंजा ए बोलते हैं। ये 1918 में पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ था, जिससे उस टाइम पर 50 to 100 million पीपल्स की डेथ हुई थी। जैसे कि नाउ वाडे COVID-19 स्प्रेड है लाइक पैंडिक फ्लू। उस टाइम पे ये वायरस अपीयर हुआ था सभी पेशेंट्स में और बहुत ज़्यादा लोग मरे थे उस टाइम पे। इन्फ्लुएंजा पैंडिक एंड द एपिडेमिक ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस पैंडेमिक ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एनिमल इन्फ्लुएंजा एवियन वायरस। देयर आर द 5 इन्फ्लुएंजा पैंडिक लाइक पैंडिक इन्फ्लामेशन 1918 स्पेनिश फ्लू, सेकेंड स्वाइन फ्लू 2009 एंड इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी। एवियन मीन्स होता है एवियन वायरस, मतलब बर्ड्स से लेटा बर्ड्स फ्लू जो होते हैं उससे हो जाना। ये किस कारण से हुए थे उस टाइम पे 1918 में? कॉजेज ऑफ पेंडिंग फ्लू, ग्लोबल आउटब्रेक इन द इन्फ्लुएंजा पेंडा अकोर विच हैव द इलनेस इज नो इम्यूनिटी एवियन वायरस बाय कॉफ सीवियर डिजीज ऑफ द डेथ। ये एवियन वायरस के थ्रू अपीयर हुआ था, के कारण हुआ था। उस टाइम पे बहुत सारी डेथ हुई थी। ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उस टाइम पे। तो 1918 में ये कंप्लेंस अपीयर हुई थी फ्लू। स्प्रेड बाय पिक्स, चिकन्स, डक्स, बर्ड्स, माइग्रेशंस एंड इन्फेक्शंस। इन कारण से जो इन्फ्लुएंजा होते हैं ये किसी तरीके के वायरल होते हैं, वो किसी ना किसी एनिमल्स के थ्रू बॉडी में आ जाते हैं और रेस्पिरेटरी डिजीज को ही इफेक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करते हैं। पैंडिक इन्फ्लुएंजा कॉमनली नोज एज द फ्लू इज द इन्फेक्शंस डिजीज ऑफ बर्ड मैमल्स एंड निमोनिया। ये कंप्लेंस अपीयर करता है पैंडिक इन्फ्लामेशन। इनके साइनिंग सिम्टम्स कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं? पेंडिक इन्फ्लुएंजा फीवर, सोर थ्रोट, मसल्स पेन, सीवियर हेडेक, कफिंग एंड वीकनेस, फैटिगो, कॉमन कोल्ड, वॉमिटिंग, गैस्ट्रो इंडस्टाइनल लाइक स्टमक फ्लू, स्नीजिंग, नेजल कंजेक्शंस, रनिंग नोज, रेडनेस फेस, ईचिंग इन आइज, बर्निंग सेंसेशन इन आइज एंड ड्यूरिंग कॉफ, फ्लम एंड म्यूकस डिस्चार्जेस। ये साइनिंग सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लामेशन, पेंडिक इन्फ्लामेशन के, स्पेनिश फ्लू के। इसका अदर नेम है स्पेनिश फ्लू। देयर आर मैनी टाइप ऑफ वायरसेस दिस लाइक बर्ड्स फ्लू, ह्यूमन फ्लू, स्वाइन फ्लू, हॉर्स फ्लू एंड डॉग फ्लू। एवियन वायरस हैव आल्सो समटाइम हैज बीन द अकॉर्डिंग टू देयर डेड लाइन्स इन द पॉपुलेटरी स्पेशली चिकन, पॉलेट्री स्पेशली चिकन। ये जो वायरस है वो चिकन, पिग्स, डक्स के थ्रू अपीयर हो जाते हैं। पेंडिक इन्फ्लामेशन की होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले आपको ये बता दें कि ये कॉमन मेडिसिन है, बट ऐसा तो कोई अभी पेशेंट्स नहीं है, बट मे बी अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं और इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड आप सफ़र कर रहे हैं और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जिस तरीके से मैंने ये कंप्लेन बताई और आपको नहीं पता कि आप पेंडिक इन्फ्लामेशन से सफ़र कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा से, आपने किसी ऐसे इन एनिमल्स को यूज़ किया है, डाइट में लिया है और आपको ये अपीयर हो गया है जैसे कि मैंने साइनिंग सिम्टम बताए हैं, तो ये मेडिसिन एक जनरली साइनिंग सिम्टम्स के बिहाफ पे है, डिपेंड पे है, तो आप इनके सिम्टम्स के थ्रू ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। और इनकी जो डायग्नोसिस होती है वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ब्लड और अदर लेबोरेटरी टेस्ट से ही पता चल सकता है कि पेंडिक इन्फ्लामेशन है, H1 या N1 से रिलेटेड सफ़र कर रहे हैं। तो मेरा एक मोटिव यही है इस वीडियो को बनाने का और बताने का कि ऐसे बहुत ज़्यादा वायरसेस हैं जो इससे पहले भी वर्ल्ड में स्प्रेड हुए हैं, उस टाइम पे भी बहुत लोगों की डेथ हुई है, जैसे कि अभी इस टाइम पे COVID-19 स्प्रेड हुआ है। बट इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर वायरसेस हैं तो उसके क्योरिंग होने के ट्रीटमेंट्स भी हैं, वो क्योर भी होते हैं। बट जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है या अदर हेल्थ इशूज़ होते हैं उन्हीं पेशेंट्स की डेथ होती है, बट एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो वो क्योर हो जाते हैं इजिली। किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन हो क्योरिंग हो जाती है, इजिली हो जाती है।
तो इनके होम्योपैथिक मेडिसिन है जेल सीमियम 200 2 टाइम्स a day फॉर 1 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं, और साथ में एपिकॉक 200 2 टाइम्स a day फॉर 8 वीक के लिए यूज़ करते हैं। पर एपिकॉक और जेल सीमियम आपको 1 टाइम मॉर्निंग 1 टाइम इवनिंग, मतलब जेल सीमियम 200 मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेना है और एपिकॉक नाइट 200 नाइट में लेना है। ये दो मेडिसिन हैं, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं 1 1 टाइम में। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 2 टाइम्स यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो एक सिंगल मेडिसिन 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, और बोथ मेडिसिन यूज़ करना है तो ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, तो 1 मेडिसिन मॉर्निंग एंड 1 मेडिसिन नाइट में यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है पेंडिक इन्फ्लोमेशन के, ठीक है, इन्फ्लुएंजा के, और पेंडिक इन्फ्लोमेंजा के अगर ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं आप, और अगर आपको क्रॉनिक है और ज़्यादा अदर हेल्थ इश्यूज़ है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, तो आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए जिससे कि आप कंप्लीट क्योर हो सके। और साथ में डाइट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, पिकल्स अवॉइड करना है, एक्सेस टू सॉल्ट, एक्सेस टू शुगर अवॉइड करना है, सीक्रेट फूड्स अवॉइड करना है, और जो भी आप नॉनवेज वगैरह यूज़ करते हैं तो उन्हें भी टोटली स्टॉप करना है। पेंडिक इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं स्पेनिश फ्लू से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।